अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने की न्यूज़ फ्लोस और ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। KC 100 की परफॉर्मेंस महीने में काफ़ी शानदार रही है, जहां डॉलराइज रिटर्न 12.3% दिया है मार्केट ने। उसके अलावा एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं KC 100 के 150% से, और 97% KC All शेयर के बढ़े हैं पिछले महीने के मुकाबले में। न्यूज़ फ्लोज की बात करें तो महीने की हाईलाइट इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जहाँ इसराइल ने रिलेंटलेस बॉम्बिंग किए गाजा के शहर पर पूरे महीने। इसी की वजह से ऑयल प्राइसेस में भी बुलिश ट्रेंड वापस देखा गया, जहाँ सेप्टेम्बर के बुल रन के बाद थोड़ा सेटल हुआ था लो 80s पे। करेंसी के बारे में बात की जाए तो US डॉलर 281.47 पे एंड हुआ है महीने के आखिर में, जो तकरीबन 2.2% का गेन है अक्टूबर के महीने में। लोकल करेंसी के बढ़ने से और ओवरऑल एनर्जी प्राइस के डाउन होने की वजह से अथॉरिटीज़ ने अक्टूबर के मिड की फ्यूल प्राइस रिवीजन में पेट्रोल पे 40 रुपये और डीजल पे 15 रुपये डाउन किए थे। फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे बात की जाए तो अक्टूबर के महीने की इन्फ्लेशन के नंबर्स की तरह आने वाले महीनों के भी नंबर्स नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां FY24 की एवरेज इन्फ्लेशन 21 से 22% के दरमियान एंड होते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा इस महीने होने वाला IMF का रिव्यू और होपफुली बायलैटरल और मल्टीलैटरल पार्टनर्स के इन्फ्लोज भी हमारी एक्सटर्नल पोजिशन और करेंसी के प्रेशर्स को ईज करेंगे। ओवरऑल आने वाले वक्तों में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और IMF का होने वाला रिव्यू ही मार्केट का मोमेंटम ड्राइव करेगा। इसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस कॉशियस अप्रोच रख के करें, और लार्जली उन सेक्टर्स में जाएं जिनकी अर्निंग्स डॉलर डिनोमिनेटेड हो या स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्डिंग हो। ये था हमारा अक्टूबर के महीने का रिव्यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर YouTube एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।